हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, कल आरआरबी कोलकाता में दो तीन लोगों को पैनल में रिवीजन आया था, उसमें से एक कैंडिडेट को मेन लिस्ट से वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। अब लोगों का ये सवाल आ गया है कि पहला उदाहरण आ गया है मेन लिस्ट से वेटिंग लिस्ट का आ गया है। तो दोस्त, हमेशा हम कहते हैं अपवाद पे ध्यान न दो, थोड़ी सी कंसंट्रेशन पे ध्यान दे, अच्छा रहता है, सबके लिए बेटर होता है। कई बार एक आध अपवाद देख के अपनी सारी भड़ास यहाँ निकालोगे तो सारी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। तो कुछ लोग कहते हैं किसने बोला ये भी बता देना, तो आज एक कमेंट भी लेके आया हूँ आपके साथ, जिसमें पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब तो आप समझते ही होंगे क्या होता है, सर्वोच्च होता है, लेकिन विचार भी सर्वोच्च होना बहुत ज़रूरी है। बोला है अब चैनल बंद कर दो, कैंडिडेट वेटिंग में जा रहे हैं, उसी वीडियो का टाइप बताया गया था कि आपको कोलकाता और बंगलोर में हुआ था। मैंने बोला था पहले दोस्त ये मालूम कर लो कि पैनल में आने से पहले कैंडिडेट वेटिंग में था कि मेन लिस्ट में था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक कंडीशन में कैंडिडेट को पहले मेन लिस्ट में हो और मेन लिस्ट को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया हो, वेटिंग लिस्ट को मेन लिस्ट में डाल दिया और जो मेन लिस्ट में कैंडिडेट है वो वेटिंग में रह गया। कौन सही होता है कौन गलत होता है, इतनी भी बारीक से नहीं पढ़ो, स्टडी पे ध्यान दो कि आपको लाइफ में फैसला हो। और एक सवाल और लोगों का आया था कि यूट्यूबर से ही सवाल क्यों, हर लोग पूछते हैं यूट्यूबर थोड़ी सी गलती करता है, गलत बताता है। मैं इसमें फेवर में नहीं हूँ कि ये पार्शलिटी है, सबको होनी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम 75 नंबर की दे के आते हो उसमें 25 गलतियाँ करते हो, ये भी तो बता दिया करो कितनी गलती करके आए हो, और फिर कहते हो कि जॉब चाहिए, तो ये भी एक मायने है। क्वेश्चन तो सब पे उठनी चाहिए, एक यूट्यूबर को ही क्यों। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं आरआरबी कोलकाता पे। तो आरआरबी कोलकाता पे जो लिस्ट है वो पहले हम आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कैंडिडेट को बोला गया है। देखिएगा, ये कैंडिडेट को एडजस्ट किया गया है, ध्यान देना है। जो पहला कैंडिडेट है इनको तो टेली कम्युनिकेशन के कैटेगरी में दिया गया था, कल भी बात हुई थी, लेकिन दूसरा जो कैंडिडेट है इनको बोला गया है, रोल नंबर देख लीजिएगा यहाँ से, अभिषेक कुमार यूआर थे इनिशियली इन पैनल इन साउथ ईस्टर्न रेलवे पैनल डेटेड 7/11 को रिकमेंडेटेड टेक्नीशियन ग्रीड टेली कम्युनिकेशन हैज निकाला गया है पैनल से और स्टैंड बाई में रखा गया है। सीधा बात करें तो स्टैंड बाई में चला गया, यानी पैनल में आने का मतलब मेल लिस्ट में आ गया था कैंडिडेट, ये कहना है लोगों का, और जब पैनल से बाहर निकाला गया तो स्टैंड बाई में। तो ये कैंडिडेट पहले मेन लिस्ट में था या स्टैंड बाई में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम कहाँ से वेरीफाई करेंगे, बंगलौर में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास आरआरबी कोलकाता में एक ऑप्शन था, जो डीबी की कंप्लीट शेड्यूल आई थी वो तीन भागों में अलग अलग बटा हुआ था, तीन ब्रेक के साथ चार भागों में था, एक से पेज नंबर 26 तक एलपी आप जानते ही है मेन लिस्ट का था, उसके बाद 26 से ही मिश्रित रूप से 92-93 तक था टेक्नीशियन मेन लिस्ट, उसके बाद 92 से ही लगभग 103-104 नंबर पेज तक क्या था एलपी वेटिंग लिस्ट, और 103-104 के आगे से जो 133 तक 35 था वो टेक्नीशियन वेटिंग लिस्ट था। अब ये कैंडिडेट अगर 103 से 134 वाला बीच में होगा तब तो हमारा वेरीफाई बहुत ईजी हो जाएगा कि ये कैंडिडेट ऑलरेडी वेटिंग में था या मेन में था। तो बहुत इजी सवाल है, लेकिन हर जगह जवाब नहीं मिल पाता, इसलिए कुछ लोग बोल के और पैरामाउंट बना के चले जाते हैं यूट्यूबर को, यानी यूट्यूबर को नीचा करते हैं, अपने आप को पैरामाउंट यानी सर्वोच्च समझते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूफ है इसलिए शायद आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शेड्यूल है उसमें हम देख लेंगे। तो ये रोल नंबर हमने डाल लिया, रोल नंबर पर हम देखेंगे तो ये कैंडिडेट का नंबर है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 91 या कोई और है, तो एक बार और चेक करना पड़ेगा हमें कितना रोल नंबर है, पेज नंबर 124 पे आनी चाहिए, तो एक पेज नंबर 124 पे आएगा, कितना नंबर है यहाँ से देख लेंगे, 46-10-150-773-291, 46-10-150-793-291। तो ये पेज का लास्ट पेज पे हैं और पेज नंबर राइट साइड में आप देख सकते हैं ऊपर साइड कॉर्नर में,
तो पेज नंबर आपको दिखेगा, पेज नंबर देखिए 133 पे हैं, 133 से हम आएंगे 132 पे, 134 पेज का टोटल लिस्ट था, और उसके बाद हम आएंगे 131 पे, उसके बाद 130 पे, और 130 के आसपास हमें मिलेगा 29 में, तो 29 में आएंगे तो हमें देखना पड़ेगा 46 10 150, तो 46 10 150 29 में नहीं है, हम 28 में देख पाएंगे, तो 28 नंबर पेज है। देखिएगा पेज नंबर आपको राइट में दिख रहा होगा, पेज नंबर 29 है और यह 28 है। 28 नंबर वाले पेज में देखिएगा 150 कहाँ है, तो 150 की सीरीज यहाँ शुरू हो रही है, और 150 की पेज शुरू हो रही है, तो यह देखिएगा रोल नंबर एक है कैंडिडेट का, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17/9/10 का था, 46 10 150, 793 291 कैंडिडेट वही है या नहीं है, और पेज नंबर देख लीजिएगा इसको, अगर किसी को वेरीफाई करना है पेज नंबर तो यहाँ देख लीजिए एक बार और, 46 10 150 793, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, 17/9 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और एयरटेल कम्युनिकेशन में पैनल में लिया गया था, लेकिन कैंडिडेट का एक्चुअल नंबर वेटिंग लिस्ट में था RRB कोलकाता में, इनको बाहर ऊपर कैंडिडेट कोई नहीं मिला, जिसके कारण मेन पैनल में वेटिंग क्लियर हुआ, लेकिन वेटिंग क्लियर होने के बाद कंडीशन क्या हुआ, हो सकता है कोई दूसरा कैंडिडेट एलिजिबल आ गया, जिसके कारण से इनकी यहाँ पे पोस्ट नहीं मिले, हो सकता है आगे फ्यूचर में, अभी बहुत टाइम बाकी है, वो मिल जाएगा, और एक बार ये पेज वेरीफाई कर लीजिएगा, पेज नंबर 128 पे है, तो ये राइट साइड में आपको पेज नंबर दिख रहा है, देखते जाइएगा, ये 28 नंबर पेज पे आपको फिर से हम एक बार ला देते हैं, 128 नंबर पे 23 आ गया, 24 आ गया, 25 26, और यहाँ पे 27, और यहाँ पेज नंबर 28, किसी को चेक करना है चेक कर लीजिएगा DB लिस्ट में। तो यहाँ कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि सारे क्वेश्चन का जवाब यूट्यूबर को ही क्यों देना है, कुछ आप भी तो करो, तब तो पता चलेगा कि क्या होता है होनेस्टी और क्या होता है रियलिटी। थैंक यू।